टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट के पेपर में आना ही आना है, कंपलसरी है। मतलब अभी तक का कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें शिक्षण विधियां ना पूछी गई हो। भाई सीटेट है ही शिक्षण विधि का, तो शिक्षण पर आधारित है तो आएगा ही। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, सिर्फ दो मिनट आप ये वीडियो देख लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, इनमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और पता नहीं चल पाता कि कौन सी विधि सही, मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है, जो प्रश्न में दिया गया है, वो किस विशेष किस शिक्षण विधि की विशेषता है। तो इस वीडियो को देखने वाला आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और दो मिनट में अभी याद हो जाएगा, बस लास्ट तक देखते रहो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है, ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, आप सब लोग जानते हैं, और ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ये भी आप जानते हैं। स्थूल का मतलब होता है पूरा, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में सूक्ष्म होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि उसमें बारीकियों में जा रहे हैं। इसके अपोजिट निगमन विधि होती है आपकी नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि पहले बच्चों को आप नियम बताते हैं उसके बाद में उदाहरण उनके द्वारा कराए जाते हैं। तो उसके बाद इसका उल्टा ही है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये स्थूल से सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रही है। अब आपकी विश्लेषण विधि है, इसका नियम है आपका कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है और संश्लेषण जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। तो ये चार नियम है और इसी के बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको याद कैसे रखना है अभी बताता हूं। चलिए ट्रिक की बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है, सिर्फ आपको एक वर्ड पहचान करनी है और कुछ नहीं करना, याद भी नहीं करना। इसमें आगमन में सबसे पहला शब्द क्या आता है, आ। क्या आता है, आ आता है। आम इससे आप क्या करो, इसका जो ये डंडा है ये आप हटा दो तो क्या बचेगा आपके पास, ऊ बच जाएगा, और ऊ से क्या आता है, उदाहरण, यानी के उदाहरण से नियम की ओर। सिंपल है, आगमन अ से बना ऊ और ऊ से उदाहरण से नियम की ओर। तो पहले उदाहरण किसमें आएगा, आगमन में। इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा है निगमन। निगमन में पहला अक्षर क्या है, नी। क्या है, नी पहला अक्षर है, इसका मतलब नी से नियम, नियम से उदाहरण की ओर। सिंपल है, बस आपको पहला लेटर देखना है, निगमन है, नी का मतलब नियम से स्टार्ट हो जाएगा, उदाहरण की ओर चलेगा, सिंपल। उसके बाद में स्थूल से कौन, अगर सूक्ष्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब पूरी बड़ी चीज आप एक साथ बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दी, उसके बाद में उदाहरण के हिसाब से जो है छोटे छोटे सूक्ष्मता की तरफ आप जा रहे हैं, सिंपल है। विश्लेषण और संश्लेषण को कैसे याद रखोगे, विश्लेषण का मतलब होता है बांटना। क्या समझ लो, विश्लेषण का मतलब होता है बांटना, यानी कि भागों में बांटना। आप कहते हैं कि हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना, समझ लो, यानी कि जोड़ना। तो यहां से सिंपल तरीके से समझ लो, विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि आपको कोई चीज ज्ञात नहीं है, उसको आप मान के जो ज्ञात चीज है उसको सिद्ध करते हैं। इसका यूज रेखा गणित की प्रमेयों में वगैरह में, बीज गणित में किया जाता है। संश्लेषण में क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। कैसे, हमने बात की संश्लेषण जो है उसका मतलब है इकट्ठा करना। इकट्ठा तभी होगा जब आपको बहुत सारी चीजें ज्ञात होंगी। जैसे कि आपके सामने गणित में प्रश्न आते हैं कि मोहन ने 5 रुपए के केले खरीदे, 4 रुपए की टॉफी खरीदी, 6 रुपए की पुस्तकें खरीदी, जो भी ये चीजें इस तरह से, तो क्या करना होता है, उसने कुल कितने पैसे खर्च किए, उसका मतलब क्या है, उसको जोड़ना है। उसके पास में जो बहुत सारी चीजें दी गई है उसको इकट्ठा करके जोड़ना है। तो वो सारी चीजें क्या थी, ज्ञात थी, और आपको अज्ञात चीजें यानी कि रिजल्ट आपको निकालना था। इसके अपोजिट अगर मैं उल्टे में आऊं तो यहां पे आ जाओ, इसमें क्या होगा, जैसे कि एक प्रश्न मैंने अभी कुछ दिन पहले कराया था आपको कि एक दूधिया जो है 10 दिन में 1400 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में कितना बेचेगा, यानी कि 10 दिन की चीज है आपके पास में, पूरी चीज आपको अगर एक दिन का निकालना है तो उसको 10 भागों में बांटना पड़ेगा, यानी कि टुकड़े करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, विश्लेषण विधि है, क्लियर है। तो भाई यही ट्रिक है, इस तरह से आप याद रखो इसको। तो आई थिंक इस तरीके से अगर आपने इसको याद रख लिया तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। इसकी लेक्चर वीडियो पूरी की पूरी इसकी बहुत बारीकियों से जानने के लिए और इसके सारे नियम सारी चीजें जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेक्चर वीडियो पढ़ा है वो जरूर देख लेना, ओके। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, फ्री क्लासेस हैं, कोई कॉस्ट नहीं और जबरदस्त कंटेंट के साथ में आपकी पूरी तैयारी चलती है। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए ठीक है, इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और सब लोग फायदा उठा सके। और वीडियो पसंद आए, ट्रिक पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना कैसे लगी वीडियो। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।